हेलो फूडीज, चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी वनीला केक। आज हम ना सिर्फ बेकरी जैसा केक बनाएंगे लेकिन बेकरी जैसी आइसिंग भी करेंगे, और ना सिर्फ केक पे रंग बिरंगी आइसिंग करेंगे बल्कि कलरफुल चॉकलेट्स का डेकोरेशन भी करेंगे। इस केक में ना ही अंडा डाला है और ना ही विनेगर, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक स्पॉन्ज केक बनाना। सबसे पहले हम केक टिन को लेके बटर पेपर से ग्रीस कर देंगे। केक का बैटर बनाने के लिए एक बड़े बोल में हम छन्नी रखेंगे, जिसमें एक कप मैदा छानेंगे। मैदे के साथ हम 2 टीस्पून वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डालेंगे। अब इस सारे ड्राई मिक्सचर को हम अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। इस स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। अब एक नए बड़े बोल में हम 1/4 कप दही लेंगे और उसी 1/4 कप को भर के हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। दही और कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर को हम अच्छे से विस्कर से मिला लेंगे। इसी बीच आप 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट करने के लिए रख सकते हैं। थोड़ा फेंटने के बाद इस मिक्सचर में हम 1/2 कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को भी बाकी सब ड्राई इन्ग्रीडियंट्स के जैसे छान के लेना है। इस लिक्विड में चीनी घुल जाए तब तक अच्छे से फेंटना होगा। अगर हम मिल्क मेड नहीं डालते हैं तो चीनी 3/4 कप भर के लेनी होगी। अब इस मिश्रण में हम 1/4 कप तेल डालेंगे, जो कि सनफ्लावर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल हो सकता है। इस मिक्सचर को कंटिन्यूस हिलाते हुए हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब सभी लिक्विड को अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स फिर से छान के डालेंगे। एक सॉफ्ट स्पॉन्ज केक बनाते वक्त हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कम से कम 2 या 3 बार छानते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स में एरेशन अच्छे से आता है और केक हल्की बनती है। हल्की यानी कि केक में जाली बनती है और बहुत ही स्पॉन्ज आता है। जब एक बार सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स में मिला लेते हैं तो इसे ज़्यादा फेंटना नहीं होता, सिर्फ हल्के हाथ से सभी को मिलाना होता है। अभी हमारा मिश्रण गाढ़ा है, जिसमें हम 1/2 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दूध की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, हमें देखना होगा कि सारा मिश्रण रिबिन कंसिस्टेंसी का हो, जिसमें मिश्रण ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला ना हो। अब इस मिश्रण को हम तैयार किए गए केक टिन में पोर करके ओवन में रख देंगे। इसी बीच आइसिंग की तैयारी करते हुए फ्रिज में रखी हुई व्हिपिंग क्रीम को इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से अच्छे से व्हिप करेंगे। क्रीम के लिए हम जो भी बर्तन ले उसे थोड़ी देर फ्रीजर में रख के अगर हम यूज करते हैं तो क्रीम जल्दी से गाढ़ी होके पीक्स फॉर्म में आ जाएगी। हमने यहाँ पे नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज की है, जिसका रिजल्ट हमें बेकरी जैसा मिलेगा। हमारी क्रीम अब व्हिप हो चुकी है, जिसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। 22 से 25 मिनट तक 180 डिग्री पे बेक होने के बाद हमारा केक अब तैयार है, जिसे एक प्लेट की मदद से हम केक टिन से अनमोल्ड करेंगे और बटर पेपर भी निकाल देंगे। फिर से एक प्लेट की मदद से हम इस उल्टी केक को सीधा करेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तो चलिए इसी बीच हम आइसिंग की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम केक के डेकोरेशन के लिए कलरफुल चॉकलेट्स बनाते हैं। इसके लिए हमें 1/2 कप पिघली हुई व्हाइट चॉकलेट लेनी होगी, जिसे 3 छोटे बोल्स में बांट लेंगे और तीनों बोल्स में हम अलग अलग जेल कलर्स का एक एक ड्रॉप डालेंगे। केक की आइसिंग हो या फिर व्हाइट चॉकलेट में मिलाना हो, इसमें जेल कलर्स ही बेस्ट रहते हैं। अब इन तीनों जेल कलर्स को अलग अलग चम्मच या फिर टूथपिक की मदद से हम चॉकलेट में मिला लेंगे। आप चाहे तो कलर्स को पूरी तरह से चॉकलेट में ना मिक्स करते हुए शेडेड कलर भी दे सकते हैं। अब हम चॉकलेट मोल्ड्स में चम्मच की मदद से थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट ड्रिजल करेंगे। इस मोल्ड को हम 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे, जिसके बाद सारे कलरफुल चॉकलेट का मिक्सचर हम उस पर पोर करेंगे। सारे मोल्ड्स भर जाने के बाद इसे फिर से 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप चाहे तो कलरफुल चॉकलेट्स के उन्हीं बोल्स में 1-1 टेबलस्पून व्हिप्ड क्रीम डाल दें, या फिर नए बोल्स में 1 टेबलस्पून व्हिप क्रीम में 1-1 ड्रॉप कलर्स डाल सकते हैं। इन सभी बोल्स में व्हिप क्रीम को चम्मच की मदद से जेल कलर के साथ अच्छे से मिला लीजिए। चलिए हमारा केक ठंडा हो गया है, अब इसे हम अच्छे से लेवल करके काटते हैं। सबसे पहले हम केक के ऊपर की अनइवन परत को निकालेंगे, फिर लंबे चाकू की मदद से हम केक को बीच में से आधा आधा कट करेंगे। अब केक की दोनों लेयर्स को हम अलग अलग प्लेट में रख के अच्छे से लेवल कर देंगे। आइसिंग शुरू करने से पहले केक की ऊपर की लेयर को लेते हुए उसे शुगर सिरप से ब्रश करेंगे। फ्रिज में रखी हुई व्हिप क्रीम को हम बाहर निकाल ले और एक पैलेट नाइफ ले ले। केक पे व्हिप क्रीम को फैलाते हुए हम एक मोटी लेयर बना देंगे। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर 8-10 फ्रेश चेरीज या फिर स्ट्रॉबेरीज को लेकर आप छोटे टुकड़ों में काट के लेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप केक का दूसरा यानी कि नीचे वाला हिस्सा उल्टा करके रख दे, जिससे कि बटर पेपर वाला बेस सबसे ऊपर आ जाए। अब इसको भी हम एक बार शुगर सिरप से कोट करेंगे। बस इसके बाद पैलेट नाइफ के ऊपर बहुत सारी व्हिप क्रीम लेके इसे केक के ऊपर और साइड्स में कोट करना होगा।
अच्छी खासी व्हिप क्रीम की क्वांटिटी से केक को चारों तरफ से कोट करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए फिर से उसे फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट के बाद फ्रिज से निकालने के बाद इस केक की सारी साइड्स को हम फिर से अच्छे से लेवल करेंगे, जिसके बाद केक को दो पैलेट नाइफ या फिर स्पैटुला की मदद से उठाते हुए केक बोर्ड पे ट्रांसफर करेंगे। केक को बोर्ड पे रखने के बाद एक बार फिर से सारी आइसिंग को हम अच्छे से लेवल करेंगे। फ्रीजर में रखी हुई व्हाइट चॉकलेट को बाहर निकाल के डीमोल्ड करके साइड में रख देंगे। फ्रिज में रखी हुई कलरफुल क्रीम को हम निकाल के पाइपिंग बैग में नोजल लगा के भर देंगे। वहीं बची हुई प्लेन व्हिप क्रीम को हम स्टार नोजल लगा के पाइपिंग बैग में भर देंगे। तो चलिए आइसिंग की हुई केक को हम फिर से फ्रिज में से निकाल के स्क्रेपर की मदद से टेक्सचर देंगे। आप चाहे तो घर में पड़ी हुई नई छोटी कंघी से भी ये डिज़ाइन कर सकते हैं। केक की चारों साइड्स पे डिज़ाइन बनाने के बाद चलिए केक के टॉप लेयर पे बाउंड्रीज बनाते हैं। आप जो चाहे वो नोजल लेके अपनी मर्जी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। केक की टॉप लेयर पे चारों साइड बाउंड्रीज बनाने के बाद हम केक की नीचे की तरफ चारों साइड्स पे बाउंड्री बनाएंगे। आप चाहे तो ऊपर की हुई डिज़ाइन से थोड़ी सी छोटी डिज़ाइन नीचे बाउंड्रीज में कर सकते हैं। अब कलरफुल व्हिप क्रीम भरे आइसिंग बैग को लेके हम फ्लावर्स बनाना शुरू करते हैं। मैंने आइसिंग के तीनों कलर्स को अलग अलग नोजल्स के साथ पाइपिंग बैग में भरा है, जिससे कि केक पे हम अलग अलग शेप्स और साइजेस के फ्लावर्स बना सके। अगर आपने यहाँ तक केक बना ली है और आइसिंग तक पहुँच चुके हैं तो फिर आप अपनी मर्जी के और अपनी डिज़ाइन के मालिक हैं। जी हाँ, अलग अलग रंगों की व्हिप क्रीम को आप जो चाहे वो डिज़ाइन बना के अपनी केक को सजा सकते हैं। केक पे मन चाहे फ्लावर्स की आइसिंग करने के बाद आप इसे कलर की हुई व्हाइट चॉकलेट से सजा दें। तो लीजिए, हमारी बेकरी जैसी आइसिंग की हुई वनीला स्पंज केक तैयार है। केक को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने सभी फ्लावर्स को गोल्डन डस्ट पाउडर से स्प्रे किया है। तो चलिए, इतनी मेहनत के बाद बनाई हुई केक को कट करके चेक करते हैं। ये केक बाहर से जितनी मखमली दिखती है, ये अंदर से भी उतनी ही सॉफ्ट है। तो व्यूअर्स, क्या आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे? और ट्राई करने के बाद आपकी केक का रिजल्ट कैसे आता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइएगा।